गुड मॉर्निंग क्लास 12th, दिस इज़ योर कंप्यूटर क्लास. क्लास टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द अलाइन एट्रीब्यूट फॉर इमेज अलाइनमेंट. ये क्या होता है द अलाइन एट्रीब्यूट? द HTML स्टैंडर्ड डज नॉट डिफाइन अ डिफॉल्ट अलाइनमेंट फॉर इमेजेस विद रेस्पेक्ट टू अदर टेक्स्ट एंड इमेजेस इन द सेम लाइन और अ टेक्स्ट, सो यू कैन नॉट एब्सोल्युटली प्रिडिक्ट हाउ द मिक्सचर ऑफ अ टेक्स्ट एंड इमेजेस विल लुक. HTML स्टैंडर्ड इमेज के लिए अर्थात टेक्स्ट अथवा टेक्स्ट के उसी लाइन के आगे आने वाली इमेजेस के लिए डिफाइन नहीं किया जाता. टेक्स्ट तथा इमेज के मिक्सर को किसी प्रकार मिक्सर जो किया जाता है वो दिखाई देता है. HTML इमेज बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट एक लाइन के साथ इन लाइन में शो करता है. हम अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ करके इमेज अलाइनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं. IMG अलाइनमेंट का अलाइंट एट्रीब्यूट किसी इमेज को उसके चारों ओर टेक्स्ट के साथ अलाइन करने के लिए यूज़ करता है. अब इसके बाद इसमें आता है टॉप अलाइन. नाम से समझ में आ रहा है जो टॉप एजेस ऑफ द टॉलेस्ट आइटम इन द करेंट लाइन ऑफ द टेक्स्ट. मिडिल अलाइनमेंट मोजिला फायरफॉक्स एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर ट्रीट द मिडिल इमेज अलाइनमेंट वैल्यू डिफरेंटली. मोजिला फायरफॉक्स ऑलवेज अलाइन द मिडिल ऑफ द इमेज द बेस लाइन ऑफ द टेक्स्ट रिगार्ड रेस ऑफ अदर इनलाइन एलिमेंट्स सच एज अदर इनलाइन इमेजेस. बॉटम अलाइनमेंट क्या करता है? अलाइनमेंट वैल्यू हैज़ टू सेम इफेक्ट. द ब्राउजर अलाइन द बॉटम ऑफ द इमेज इन द सेम हॉरिजेंटल प्लेन एज द बेस लाइन ऑफ द टेक्स्ट. लेफ्ट एंड राइट अलाइनमेंट क्या करता है? द लेफ्ट एंड राइट इमेज अलाइनमेंट वैल्यू टेल द ब्राउजर टू प्लेस एन इमेजेस अगेंस्ट द लेफ्ट और राइट मार्जिन द करेंट टेक्स्ट फ्लो. द ब्राउजर देन रेंडर द सबसिक्वेंट डॉक्यूमेंट कंटेंट इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द फ्लो एडजस्टिंग टू द इमेज. अब इसके बाद आपका आता है द हाइट एंड विथ एट्रीब्यूट. हाइट एंड विथ एट्रीब्यूट क्या करता है? डॉक्यूमेंट्स को लोडर करते समय हम पेज के कंटेंट को देखते हैं जो कि चारों ओर फैले होते हैं. इसके कारण यह है कि जो भी ब्राउज़र प्रत्येक लोड होने वाली इमेज के को स्थान देने के लिए पेज लेआउट को बार बार अरेंज करता है. ब्राउज़र इमेज के साइज़ को देखता है और डिस्प्ले विंडो में उसके लिए रेक्टेंगुलर करता है. इसके लिए ये इमेज फाइल के जो रिव्यू करके इसकी हाइट्स एंड विथ को एक्सट्रैक्ट करता है और बाद में ब्राउज़र पेज के डिस्प्ले लेआउट को अरेंज करता है. इसके बाद आपका आता है सेंटरिंग एन इमेज क्या करता है? अलाइन एट्रीब्यूट्स के साथ ब्राउज़र विंडो में किसी भी इमेज को हॉरिजेंटली से सेंटर नहीं कर सकता है. मिडिल वैल्यू इमेज को करेंट लाइन के साथ वर्टिकली सेंटर में किया जा सकता है. फिर आपका आता है एक्सटर्नल लिंकिंग टू द अनदर डॉक्यूमेंट्स. ये क्या करता है? हम टैग का यूज़ करके अन किसी भी डॉक्यूमेंट्स को हाइपरलिंक और ब्रीफ एट्रीब्यूट्स URL को डिफाइन करते हैं. जब किसी अन डॉक्यूमेंट से लिंक करते हैं तब टाइटल एट्रीब्यूट्स को जोड़ना ज़रूरी होता है. इसके बाद आपका नेक्स्ट है द HREF एट्रीब्यूट्स. इसका उपयोग लिंक में URL को व्यक्त करने के लिए डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है. नेक्स्ट आता है आपका द टाइटल एट्रीब्यूट. टाइटल एट्रीब्यूट क्या होता है? उस डॉक्यूमेंट्स की टाइटल को डिफाइन करता है जिसे हम लिंक करवाते हैं. इस एट्रीब्यूट्स की वैल्यू कोई स्ट्रिंग हो सकती है जो कि कोटेशन मार्क में बंद होती है. अब इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है इंटरनल लिंकिंग. इंटरनल लिंकिंग क्या होती है? इसका यूज़ किसी डॉक्यूमेंट्स में रीडर को क्यों किसी स्पेशल सेक्शन पे पहुंचाने के लिए किया जाता है. यह कार्य एक डॉक्यूमेंट्स में अथवा किसी अन डॉक्यूमेंट्स में भी किया जा सकता है. लिंक बनाने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स में HTML का नाम इंसर्ट करना पड़ता है. अब इसके बाद आप देखिए लिंक्स बिटवीन द सेक्शन ऑफ अ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स. ये क्या होता है? डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन के साथ लिंक करने के लिए टारगेट डॉक्यूमेंट्स में टारगेट सेक्शन नाम दिया जाता है और लिंक सेट करते समय सेक्शन नेम को इसके डॉक्यूमेंट्स नेम में देना पड़ता है. इसके बाद आपका आता है सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकिंग. ये क्या करता है? HTML में डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप जानते हैं. इसमें दो या दो से अधिक डॉक्यूमेंट्स को एक दूसरे से लिंक कर दिया जाता है जिससे यूज़र केवल एक लिंक द्वारा डॉक्यूमेंट्स पे पहुंच जाए. इसमें एक बुक तैयार करनी पड़ती है जिसमें एक पेज बुक में कंटेंट अथवा इंडेक्स दिखाया जाता है. इस पेज पे किसी भी चैप्टर नेम पे क्लिक करके रीडर बहुत आसानी से चैप्टर पे पहुंच जाता है. जैसे आप अपनी बुक में देखते भी हैं कि हम अगर आपसे ये कहें कि आप चैप्टर 7 पे आइए, चैप्टर 8 पे आए, तो आप क्या करते हैं? आप डायरेक्टली इंडेक्स में जाते हैं, पेज नंबर देखते हैं और डायरेक्ट आप उस लेसन चैप्टर पे आ जाते हैं. और इसी तरीके ये काम करता है और सारी इन्फॉर्मेशन ईजिली आपको अवेलेबल हो जाती है.
अब बच्चों इसके साथ आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया है। इसकी जो भी नोट्स है उसे आप अपनी कॉपी में चैप्टर वाइज बना लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।